नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक मंसूबे पूरे करने हैं क्योंकि सत्ता सबको चाहिए, पर सत्ता के बीच में जब सत्ता पक्ष को हटाने की बात होती है तो विपक्ष एकजुट हो जाता है। पर एकजुटता केवल क्या कागजों में है या मीटिंग तक सीमित है, ये बात समझ में नहीं आती। क्योंकि INDIA गठबंधन बनाया गया, बड़ा नाम दिया गया और कहा गया इंडिया NDA को हटा देगा। खैर, बड़ी बड़ी मीटिंग हुई पटना, बेंगलुरु, मुंबई, और मीटिंग के दौरान एक ही बात समझ में आई कि हम सब एक हैं, एकता में शक्ति है। पर न जाने क्यों जब एकता में शक्ति रहती है तो जैसे ही विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में, जैसे ही इसका बिगुल फूका, बिल्कुल बजने के बाद से ही रार शुरू हो गई। जो हम सब एक है का जो नारा था वो हम सब अलग अलग में हो गया, तब्दील हो गया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बयानबाजी बोल रही है। क्योंकि घोसी उपचुनाव के बाद बागेश्वर में जिस तरह से कांग्रेस हारी, वो टीस निकल कर आई और टीस की शुरुआत की कांग्रेस के नवनियुक्त उत्तर प्रदेश के कप्तान, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने। उन्होंने कहा कि बागेश्वर सीट में हार के लिए समाजवादी पार्टी दोषी है, जिम्मेदार है। अगर वो अपना प्रत्याशी वहां नहीं उतारते तो हमारी जीत सुनिश्चित थी। हालांकि एक केवल उपचुनाव था, पर उपचुनाव या चुनाव या लोकसभा चुनाव, हर चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि चुनाव से भावना जुड़ी होती है, मेहनत जुड़ी रहती है और एक सूत्र जुड़े रहते हैं और एक भविष्य जुड़ा रहता है। इसे कोई भी चुनाव को हल्का नहीं लिया जाता और लेना भी नहीं चाहिए। पार्टियां हैं और पार्टियों को कोई भी चुनाव हल्का लेना भी नहीं चाहिए। उसके बाद से फिर हमने देखा जिस तरह से MP में समाजवादी पार्टी ने महज 6 सीटें मांगी थी, मीटिंगें भी हुई, बुलाया भी गया, बात भी हुई, पर सीटें नहीं दी गई। मजबूरी में समाजवादी पार्टी ने वहां पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। उसके बाद का घटनाक्रम आपको पता है कि वहां पर चिरकुट भी बोला गया और अखिलेश बखिलेश भी बोल दिया गया। पर नेता कोई भी हो, इस तरह की शब्दावली नेताओं के लिए उपयोग नहीं होनी चाहिए। पर क्या करें, भारतीय राजनीति में, भारतीय लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्था आम हो चुकी है। यहाँ चोर भी बोला जाता है, चौकीदार चोर भी बोला जाता है, या रावण भी बोला जाता है और लादेन भी बोला जाता है। हाँ, यहाँ नौकर भी बोला जाता है और सर्वेंट भी बोला जाता है, क्योंकि भारतीय राजनीति है और सत्ता सबको चाहिए। पर जिस तरह से हम यहाँ हाल का घटनाक्रम देख रहे हैं कि तलवारें खिंच चुकी हैं, भले ही मयान से बाहर नहीं निकली है, पर तैयारी पूरी है लड़ने के लिए। क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर सभी पार्टियां अकेले लड़ने तैयार हो चुकी हैं, सबके प्रत्याशी घुसर चुके हैं। चुनाव तो होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में कल होने वाला है पहला चरण, कल चुनाव रहेगा, 7 नवंबर है कल। पर जिस तरह से रार बनी हुई है वो संकेत अलग देती है। हाल का मुद्दा है कि अखिलेश यादव MP के दौरे पर गए और उन्होंने वहां पर कहा कि कांग्रेस को वोट देने की भूल ना करें, कांग्रेस धोखे देने वाली पार्टी, कांग्रेस चालू पार्टी है। तो वो गठबंधन जो BJP को सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी से उठा फेंकने के लिए बना था, हटाने के लिए बना था, उस गठबंधन में अब यहां पर किसी पार्टी को चालू बोला जा रहा है, किसी को धोखेबाज बोला जा रहा है, किसी को गुंडा वाली पार्टी बोला जा रहा है। ये मैं नहीं बोला हूं, ये लोगों के बयान है। और यहां तक कि हर पार्टी को उसकी हैसियत दिखाई जा रही है कि आपका उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है तो आपका मध्य प्रदेश में कुछ नहीं है। और ये बात केवल कांग्रेस के लिए यहां लागू नहीं होती, बल्कि RLD भी दुखी है कि RLD को पिछली बार 2 सीटें मिली, 1 जीत कराई थी, इस बार 5 सीटें मांगी गई तो 1 सीटें ही मिली। तो दर्द की जो एक थोड़ी बहुत टीस वो है, वो RLD को भी है। भाई, बड़ी पार्टी है, छोटी पार्टी नहीं है, पुरानी पार्टी है, ऐसी पार्टी है जिसके मुखिया, जिसके प्रधानमंत्री रहे हैं, चर्चा में सब महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस चर्चा में बात करने हमारे साथ मेहमान कुछ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर बात नहीं करेंगे तो यहाँ पर चीजें निकल के नहीं आएंगी। ठीक है, कुछ बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या दो लोगों के बीच में राजनीति चल रही है, कभी BJP, कभी कांग्रेस, कभी कांग्रेस तो कभी BJP। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जिन जिन प्रदेशों में किसानों की ताकत, गरीबों की ताकत, पिछड़े, दलित, आदिवासियों की ताकत एक हो गई है, वहां भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया, कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया। और आपके यहां तो विचित्र परिस्थिति है,
कि दो ही परिवारों में सब कुछ बटा हुआ है। हम आपसे अपील कर रहे हैं, अगर दोनों दलों को आप गहराई से देखोगे तो कोई फर्क नजर नहीं आएगा। तो महत्वपूर्ण चर्चा विषय हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा रहा हूं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी से दिवाकर सिंह अपनी बात रखेंगे, यहाँ पर प्रवक्ता सपा के रूप में विवेक पांडे अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से मलिक जावेद अंसारी अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता रालोद से अंकुर सक्सेना अपनी बात रहेंगे, आम आदमी पार्टी से सैयद मोहम्मद तकी अपनी राय देंगे और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जनाब आमिर साबरी अपनी महत्वपूर्ण समीक्षा करेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो जो मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से विवेक पांडे। विवेक भाई क्या कहें, देर आए दुरुस्त आए या समझ नहीं पाए? कभी पार्टी को अच्छा ही बोलते हैं, आज वो पार्टी चालू पार्टी हो गई, ये क्या है? और बोलते हैं कि लोकसभा के लिए गठबंधन हुआ है, विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन नहीं हुआ है, पर अभी स्थिति ये है। तो जो बयान दिए जा रहे हैं, इन बयानों को पीछे कैसे लेंगे, इनसे वापस कैसे होंगे? जिस पार्टी को आप धोखा देने वाली पार्टी, चालू पार्टी बोल रहे हैं, वोट ना देने की अपील कर रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं बता रहे हैं, तो जब लोकसभा चुनाव की तैयारियां होंगी, सीटों के बंटवारे की बात होगी, तो वहां पर कैसे बैक करेंगे? मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को मैं अपना प्रणाम समर्पित करता हूं और अनुमोदन के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त रखने की मंच से अनुमति चाहूंगा। देखिए, ये तो हमारे लिए एक अवसर है, ये हमारे लिए एक उत्सव है और ये हमारे कार्यकर्ताओं के लिए एक उल्लास भरा समय है, जहां पे समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारने की, सीटों पे अपने प्रत्याशी घोषित करने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया है। बहुत बखूबी जानते हैं इस मंच पे बैठे सभी सर्वदलीय लोग, चाहे वो वरिष्ठ पत्रकार हों, चाहे आप हों, चाहे हमारे अन्य पैनलिस्ट हों, अच्छा। कि हम तो एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में जाने जाते थे, अच्छा। तो हमारे लिए तो एक अवसर है कि अगर हमारे राजनीतिक दल का विस्तारीकरण होता है, अगर हमारे राष्ट्रीय दल की इकाई, हमारे दल की इकाइयों का विस्तार अलग राज्य की अलग इकाइयों, अलग सीमाओं के आगे जा रहा है, तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के लिए अवसर का निर्माण हो रहा है। अच्छा, तो हम तो इसको अवसर की दृष्टिकोण से देखते हैं। उससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि हम जो उम्मीद कर रहे हैं, हम 50 से अधिक सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारेंगे और जुझारू तरीके से लड़ेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के और प्रत्याशियों का उनके इतिहास है कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अपने दम पे चुनाव लड़ता है, अपनी नीतियों पे चुनाव लड़ता है, पार्टी के सीट मांगने क्यों चले गए कांग्रेस के पास? नहीं देखिए, होता ही है गौरव भाई कि जब हम आपके मंच पे जिस तरह बैठे हैं, तो जब मुझे कुछ कहना होगा तो मुझे अनुमति आपसे लेनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा। और अगर इस मंच पे बैठ करके मैं आपसे बिना अनुमति लिए कोई काम करूं या आपकी साथ अन्य पैनलिस्टों का एक समायोजित एक विषय नहीं होगा, तो मुझे अच्छा। लगता है कोई चर्चा बहस सार्थक नहीं होगी। उसी प्रकार अच्छा। जब हम गठबंधन धर्म में आते हैं, तो ये हमें सम्मान करना होता है इस गठबंधन भावना का, कि हम जो भी निर्णय लें, जो भी प्रत्याशी उतारे, उसके लिए कम से कम सबकी सहमति लें। तो हमने तो अपने राजनीतिक शिष्टाचार के अनुरूप गठबंधन धर्म को निभाने का प्रयास किया था। लेकिन अब अगर कांग्रेस ये कह रही है कि ये केवल लोकसभा चुनाव के लिए है, तो ये तो हमारे लिए अवसर है। मैं इसको आलोचना की दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखता। समाजवादी पार्टी के लिए, उसके प्रत्याशियों के लिए, उसके पदाधिकारियों के लिए ये एक अवसर है। भाई इतना बोल दिए हैं, धोखेबाज पार्टी बता रही है, चालू पार्टी बता रही है, लोकसभा चुनाव में कैसे गठबंधन करेंगे भाई, कैसे बैक करेंगे अपने जो बयानों से? क्या बोलेंगे, नहीं चालू पार्टी नहीं है, अच्छी पार्टी है? नहीं नहीं, राजनीतिक गलियारों में देखिए, गठबंधन करने के लिए हमेशा आपको समय और विषय और मुद्दों के आधार पे गठबंधन होता है। अच्छा। यहाँ पे भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता। अच्छा। आज हमें सिर्फ इस बात का थोड़ी सी पीड़ा हमें इस बात की है, थोड़ी सी, अगर इतनी बेइज्जती की गई, थोड़ी सी पीड़ा है, मेरी बात आ जाए, हमें पीड़ा नहीं, थोड़ी पीड़ा है, थोड़ी सी पीड़ा है, थोड़ी सी पीड़ा क्यों है, पहले पूरी बात आ दे दीजिए, सुनिए, वो भी जान जाइए। पीड़ा इस बात की है केवल कि अगर इन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया होता, तो हम अपने प्रत्याशी तय करने में इतना देर ना करते और हमारे प्रत्याशियों को समय मिलता तैयारी करने का। चलिए, आज हमें पीड़ा इस बात की है कि आपने अंतिम समय पे हमसे ये कहा कि ये गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए, तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। रही बात अनर्गल बयानबाजी की, तो वो हमारे आदरणीय नेतृत्व ने हमें कह दिया है, हम उस पर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि जब बात विधानसभा चुनाव की होगी, तो समाजवादी पार्टी अपने नैतिक सिद्धांतों के साथ अपने दम पे लड़ेगी
और उसमें जो भी हमारे सामने होगा वो हमारे लिए प्रतिद्वंदी ही होगा। आप लोकसभा चुनाव पे लड़ना चाहते हैं साथ, तो लोकसभा चुनाव जब आएंगे तो उसके बारे में बात होगी, उसके बारे में देखा जाएगा कि किस तरीके से सीटों का समीकरण। अभी भी मोहब्बत की गुंजाइश बाकी है विवेक पांडे रखते हैं। नहीं नहीं, हमने तो कभी किसी को ठुकराने का काम ही नहीं किया है। हम तो हमेशा कहते हैं कि राजनीतिक शिष्टाचार की परिभाषा, आपकी पार्टी बड़े नामों को शामिल कर रहे हो, आप कह रहे हैं मोहब्बत निभाएंगे, निभाते रहिए। नहीं ठीक है, ठीक है, देखिए जो प्रत्याशी हमारा जा रहा है, अगर उस प्रत्याशी को अपना भविष्य वहां दिखता है तो बिल्कुल वो उसका स्वागत, उसका भी स्वागत हम कर रहे हैं कि वो जाए, क्योंकि उसके जाने से कम जो अवसर, जो सीट खाली हो रही है वो हमारे जो अन्य जुझारू कार्यकर्ता है उनमें चयन किया जाएगा, उनको अवसर मिलेगा। रवि प्रकाश वर्मा को हल्का प्रत्याशी मानते हैं क्या? मैं रवि प्रकाश वर्मा को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मानता था, लेकिन आज वो कांग्रेस के हैं तो अब वो हमारे लिए विपक्ष समान है। अच्छा। और रवि प्रकाश वर्मा का विकल्प कांग्रेस समाजवादी पार्टी बहुत जल्दी वहां उतार देगी और दिखाई देगा और दिखा देगी। चलिए प्रवक्ता कांग्रेस मलिक जाबिर अंसारी, मलिक भाई क्या देखते हैं भाई? यहाँ पर बोल रहे हैं मोहब्बत अभी बाकी है, अभी भी आपको संकेत दे रहे हैं, पर जिस तरह से आपकी पार्टी को चालू पार्टी बोल दिया है, धोखेबाज पार्टी बोल दिया है, वोट ना देने की अपील कर ली है, तो कैसे आपका विजय अभियान चलेगा एमपी में? क्योंकि अब आपके सामने बीजेपी तो है ही, साथ ही साथ आपके साथी भी आपके विपक्ष में है, आम आदमी पार्टी और मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी और बसपा भी आपके सामने खड़ी हुई है। बड़ी चुनौती है बीजेपी के साथ साथ तीन दल और। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। क्या बात है, तभी सीट नहीं दी है। हाँ, छत्तीसगढ़ में भी, तेलंगाना में भी, मिजोरम में भी, राजस्थान में भी। दूसरी बात, अगर कोई बयान दे रहा है और गलत बयान दे रहा है तो ये तो उनको देखना होगा, उनको आकलन करना होगा। अच्छा। तो गलत बयान क्यों दे रहे हैं, शायद अच्छा। उनकी कोई मजबूरियां रही होंगी। अच्छा। आजकल ईडी बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट है, उसका डर हो। अच्छा, तो अच्छा। गलत बयान जो दे रहा है वो तो उसको आकलन करना पड़ेगा। और क्यों उनकी पार्टी के लोग छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी बताते हैं लोग, तो क्यों कांग्रेस में आ रहे हैं, तो इसका भी आकलन करना पड़ेगा। अच्छा। और दूसरा, आप पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, छत्तीसगढ़ में भी लड़ रही है, मध्य प्रदेश में लड़ रही है। तो ये तो पहले से क्लियर था कि लोकसभा के लिए गठबंधन हुआ है और कांग्रेस पार्टी को जो हल्के में आंक रहे हैं वो हल्के में ना आके, जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, बीजेपी बता रहे हैं, सपा को बता रहे हैं हल्के में आंक रहे हैं जी। मैं हर किसी को बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ, हर किसी को बता रहा हूँ, गुंजाइश नहीं है। कोई भी हो जो चुनाव लड़ना है वो हमारा सामने कैंडिडेट है, तो हम सबको बता रहे हैं हल्के में ना ले। जब 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो आकलन होगा कि सेमीफाइनल हमने पिछला वाला भी जीता था या सेकंड सेमीफाइनल है, इसको भी हम जीत के दिखाएंगे और 5-0 से जीत के दिखाएंगे। और दूसरी बात मैं बता दूं, अखिलेश जी क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कृषि, जो केंद्र के कृषि मंत्री है उनका बेटा है देवेंद्र तोमर, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, 100 करोड़ की फिरौती कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, क्या ले रहा है पता नहीं है, जांच का विषय है। अच्छा। लेकिन सोचने वाली बात है कि जिस जो केंद्र में था उसको एमएलए का चुनाव लड़ा रहा और उसका बेटा, अरे वो मुद्दा पर उठाइए भाई, वीडियो वायरल हो रहा है। चलिए, तो मुद्दा अब वीडियो तमाम वायरल हो, छत्तीसगढ़ के भी वीडियो वायरल हो रहा है, कोई महादेव ऐप का गिरफ्तारी हुई है, उसमें भाजपा का नेता निकल रहा है, गाड़ी भी भाजपा की जब्त हुई है और ईडी जो है वो मुद्दा नहीं आज जी मलिक भाई। तो और ये भूपेश बघेल ने ही 24 अगस्त 2023 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में और कहा था इस ऐप को बैन करे और इस पे जांच करे। अच्छा। और भूपेश बघेल जी को ही पार्टी बना दिया, तो जांच करे, अगर गलती है तो अरेस्ट करे, हम डरने वाले नहीं। मलिक भाई पर यहाँ पर क्या मोहब्बत की गुंजाइश रहेगी लोकसभा में, क्योंकि रार बड़ी हो चुकी है, बयानबाजी बहुत बड़े बड़े हो गए भाई, चालू पार्टी है। मोहब्बत की दुकान तो राहुल जी ने खोल रखी है पूरे देश में। अच्छा, अच्छा। सबके लिए स्वागत है, मोहब्बत ही हम फैलाते हैं। अच्छा। सत्य और अहिंसा वाली हमारी पार्टी है। अच्छा। मोहब्बत में हमारी कोई कमी नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर जो हम पे कोई गलत बात बोलेगा तो उसका हम जवाब देंगे। अच्छा, जवाब तो दे रहे हैं, कोई कमी नहीं है। चलो ठीक है, बिल्कुल मोहब्बत में कमी नहीं रहेगी। चलो ठीक है, ठीक है। प्रवक्ता भाजपा दिवाकर भाई, भाई आप तो बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे, मुझे वो जो प्रसन्नता है वो आपको चेहरे पर नजर आ रही है। गौरव भाई जी, ये विषय तो आप लोग देख ही रहे हैं, हमारे हम तो देख ही रहे हैं, सम्मानित प्रवक्ता हाँ। के साथ जितने भाई बैठे हुए हैं हाँ। इसमें तो हम लोग का नाम लोग शुरू से कर रहे थे, हमारे शीर्ष नेतृत्व भी शुरू से कर रहा था। अच्छा। कि इस गठबंधन के बनने और बिगड़ने से अच्छा ये प्रायोजित है, ये चलेगा नहीं, हम लोग जान रहे थे। अच्छा, जान रहे थे। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा। इसके पहले भी
दो युवा आए थे उसके साथ बहन जी भी जुटी थी। अच्छा। तो हम लोग तो सब झेल चुके हैं, उससे बड़ा गठबंधन नहीं ना है। तो हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के जितने कार्यकर्ता उत्साहित कार्यकर्ता हैं और सरकार है, जनता के साथ है, जनता के विश्वास से सरकार चल रही है। और पुनः अच्छा जिन राज्यों में हमारी सरकार नहीं उन राज्यों में हमारी सरकार आने वाली। ये बोला 5-0 से हराएंगे आपको, तेलंगाना में रोज हम सब हरा रही है आपको, बोल रहे हैं। बता तो रहे हैं हाँ। कि इनको ख्याली पुलाव जो कहा जाता है वही वही है इनका। और विपक्ष में है, कई जगह विपक्ष में है, कई जगह एक आध जगह पक्ष में भी हैं। हाँ। तो वहाँ भी अपनी सीटें खो रहे हैं लोग। और जहाँ तक बात है मुझे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे, उनके तो विवेक जाग गया है। अच्छा। अच्छी बात है कि उन्होंने समय से पहले अपने विवेक को जगा लिया। किसने जगा लिया? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। अच्छा। उनको पहले ज्ञात हो गया कि यह पार्टी जो है चालू पार्टी है, जो भी पार्टी है, हम नहीं कहेंगे उनके शब्दों को वही प्रयोग करें। मैं तो बोल रहा हूं, बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं, हम नहीं बोलेंगे। आप बोले तो नहीं, हम कहे बोलेंगे। हमारी भाषा, हमारी पार्टी की भाषा सम्मानित भाषा होती है और हम लोग सम्मानित। नहीं, मत बयान करिए, टंग आप स्लिप होती है उसमें नहीं हम जाएंगे। हाँ, तो रह गई बात है कि हमारे देश के गौरवान्वित प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश उन्नत कर रहा है, प्रदेश हमारे योगी जी के नेतृत्व में उन्नत कर रहा है, और राजस्थान, मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी की अच्छी पकड़ है। मध्य प्रदेश हम पुनः जीतने जा रहे हैं, राजस्थान जो हमने खोया था उसको भी पुनः हासिल करने जा रहे हैं। अच्छा। छत्तीसगढ़ और मिजोरम, तेलंगाना में हम काफ़ी अपने में सुधार करते हुए। अच्छा। और सरकार मिजोरम में है ही हमारी, और तेलंगाना में भी हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा। इसके अलावा इनके आपसी मतभेद में ये लोग अपना देखें। अच्छा। ये गठबंधन का न असर है न रहेगा। अच्छा। और हम लोग जानते हैं कि गठबंधन होना ही नहीं है। अरे ये कैसे कह रहे हैं भाई, खेती अलग अलग करेंगे, खाएंगे एक में? अच्छा अच्छा, खेती अलग करेंगे खाएंगे एक में, ये कैसे हो सकता है भाई? अच्छा, संभव नहीं है। पहले खाना अलग होता है तब खेती अलग होती है। अच्छा। यहाँ कह रहे हैं खेती अलग करेंगे खाएंगे एक में, चले ठीक, ये कैसे संभव है भाई? चले ठीक, आप तो गांव देहात से जुटे हुए हैं, इससे बढ़िया भाषा आप नहीं जानते हैं। सही बात, पहले घर का बंटवारा होता है तो पहले घर में भोजन अलग बनता है, तब खेत अलग होता है। यहाँ पहले ही खेत अलग हो गया, अब घर में कहाँ से एक रहेंगे? चलिए, जो भी है इनको मुबारक हो। मुबारक हो क्या? लड़ाई मुबारक हो। हाँ, जैसे ये लोग लड़ रहे हैं, लड़ते रहे। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी अपने उत्तरोत्तर विकास पे बढ़ती रहे। अच्छा, हैट्रिक मार रही है इस बार। जी, देश में और विदेश में, पूरे विश्व में भाजपा की धाक ऐसे ही बनी रहे। अच्छा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः धाक बनी रहेगी। अच्छा। और तीसरी बार अच्छा देश के गौरव को बढ़ाते हुए विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। विश्व गुरु बनने के जी, पूरे विश्व की निगाह लगी है। कोई भी विश्व की घटना होती है तो देखा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं। अभी ब्रिटेन के तरफ से बयान आया है कि जो संकट आया इजराइल हमास का, इसमें प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करें। भारत तरफ निगाह सबकी, क्या बात, चलिए ठीक। यूक्रेन की निगाह, यूक्रेन पे बात नहीं करेंगे जी, सबकी निगाह है। प्रवक्ता रालोद, अंकुर भाई, मैं टीस तो आपको भी होगी, मैंने चर्चा भी कर दी, अब चर्चा ना करूंगा तो भी यहाँ पर जाती होगी भाई। सीट आपने भी मांगी, आपको भी एक मिली है, आपकी मजबूरी है कि आप भी अलग हो जाएंगे। चालू पार्टी तो नहीं बोलेंगे ना आप, एक सीट तो मिल गई है आपको, समाजवादी पार्टी को तो एक भी सीट नहीं मिली, इसे अलग चले गए वहाँ पर। पर क्या लगता है कि गठबंधन को लेकर तमाम तरह की बातें हुई थी, तीन तीन मीटिंगें हुई थी, और हद से बहुत खराब हुआ, क्योंकि 5 राज्यों का चुनाव यहाँ पर सेमीफाइनल माना जा रहा था, कुछ जुड़ना चाहिए था। अगर जुड़ते भी नहीं है, अगर एकला भी चल रहे थे तो ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए थी कि बीजेपी के प्रवक्ता के चेहरे पे स्वतः ही मुस्कान आ रही थी। अंकुर भाई, क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है या केवल दिखावा है? जी अंकुर सक्सेना जी, करते हैं और जंग में उतरने के बाद आपकी रणनीति विपक्षी लोगों को पता लग जाती है, तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे तो मुस्कान आना स्वाभाविक है। अच्छा। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ मिलकर हम लोग राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिन स्टेट्स में राष्ट्रीय लोकदल मौजूद है कांग्रेस को भी समर्थन दे रही है, और समाजवादी पार्टी के साथ तो हमारा नैसर्गिक गठबंधन है। क्या बात है। हाँ। कांग्रेस के प्रतिनिधि महोदय को या कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उनको भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि इस तरीके का जो घटनाक्रम उत्पन्न हुआ उसकी शुरुआत कहां से हुई। हम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, निसंदेह उसका फायदा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। हमको अपनी कमियों का आकलन करना पड़ेगा, और उन कमियों के आकलन से ही हम 2024 में जनता को एक मजबूत विकल्प के रूप में, विपक्ष के रूप में इंडिया गठबंधन को खड़ा कर सकते हैं। अच्छा।
लेकिन उसके लिए आपको बड़ा दिल भी दिखाना पड़ेगा और बड़े और छोटे भाई की हैसियत से आपको सारे राजनीतिक दलों को उनके लिए सीट्स भी छोड़नी पड़ेंगी और उनको उनकी योगदानुसार योगदान भी देना पड़ेगा। अच्छा। आप उसमें ये बात नहीं कह सकते भाई हर जगह हर राजनीतिक दल मजबूत स्थिति में नहीं है, इसको एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में अभी कांग्रेस के प्रतिनिधि महोदय बोले कि हम चौथे नंबर की बड़ी पार्टी है। मेरे भाई उत्तर प्रदेश में आज की डेट में आप चौथे नंबर की नहीं, आप छठे नंबर की पार्टी बन चुके हैं। लीजिए। लेकिन क्या हकीकत नेशनल नहीं, नहीं। हाँ। ये वो बात करता है जो आंकड़ों पे आधारित है। आप खुद तो ना पहले आपने कोई आंकड़े बताया ना भाई। जी जी जी। अच्छा, लेकिन क्या इसका मतलब है हम लोग कांग्रेस को तवज्जो नहीं कर रहे हैं? राष्ट्रीय लोकदल निरंतर पैरवी कर रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में अगर तीसरा कोई दल आए तो वो कांग्रेस पार्टी को। अब कांग्रेस पार्टी को भी इस बात को तवज्जो देनी चाहिए कि उसके साथ जो राजनीतिक दल तन मन धन से लगा है, जो केंद्रीय नेतृत्व उसकी हर जगह सहायता कर रहा है, हर जगह पर जिसके कार्यकर्ता कदम से कदम मिलाकर उसके साथ चल रहे हैं, उनको भी सीटें देने में उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पिछली बार हमको कांग्रेस ने दो सीटें राजस्थान में दी, अब की बार एक सीट दी है। पांच सीटों पर कांग्रेस की निरंतर बात चल रही थी। मैं इसमें कांग्रेस का दोष नहीं देता हूँ। राजस्थान के लेवल पर क्या घटनाक्रम हुआ, उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता महोदय इस विषय पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं है। इस विषय पे अगर राजस्थान का कोई प्रवक्ता होता या राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष होते तो वास्तु स्थिति से ज्यादा अवगत कराते। जी। तो सबसे बड़ी बात यह है आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मैं पुनः इस बात को कहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में मजबूत विपक्ष के रूप में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन को बनना है और कांग्रेस को भी बड़े दिल से सहयोग करना पड़ेगा और हम लोग निरंतर कांग्रेस का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इस बात को धरातल पर आम कार्यकर्ताओं तक पहुंचना चाहिए। परंतु भाई एक मेरा सवाल आपसे रहेगा, छोटा सवाल आपसे, आपको लगता है कि जो ये आपसी मतभेद है ये बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे मध्यप्रदेश की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, क्योंकि अगर विपक्ष है इसमें कोई संदेह नहीं है। जी, संदेह इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने अपनी बात की शुरुआत में ये बात कही जी कि जब आपके घर में लड़ाई होती तो हमेशा उसका फायदा तीसरा व्यक्ति उठाता है। अगर हम इंडिया गठबंधन को एक परिवार के रूप में देखते हैं जी, तो अगर कोई मनमुटाव हुआ है तो वो परिवार का मनमुटाव परिवार के बीच रहता, उसको आम जनमानस के बीच में नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जब इस तरीके के घटनाक्रम टीवी मीडिया चैनलों पे वायरल हो रहे हैं और आम जनमानस तक पहुंच रहे हैं तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलेगा। ठीक। तो इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो हम लोगों का 2024 का लोकसभा चुनाव है उस लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक बार पुनः एक मंच पर बैठना चाहिए और इंडिया गठबंधन की जब मीटिंग हो तो उसमें पिक्चर को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बड़ा सवाल रहेगा प्रवक्ता हमारी पार्टी तकी भाई, भाई आप तो सीट मांगते ही नहीं है, मैंने देखा है आप तो शुरू से कहते हैं हम तो एक लाख चलेंगे गठबंधन लोकसभा के लिए, और लोकसभा के लिए भी तमाम यहाँ पर चीज़ें हैं क्योंकि दिल्ली में क्या होने वाला है, पंजाब में क्या होने वाला है, कुछ प्रश्न तो आपके मन में भी आ गए होंगे, दो राय नहीं है, पर जिस तरह से यहाँ पर घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे कि जिस तरह से बयान आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर कटाक्ष किए जा रहे हैं, चालू पार्टी धोखा देने वाली पार्टी बताई जा रहा है और कांग्रेस के लिए वोट ना करने के लिए अपील भी की जा रही है, क्या देखते हैं कि यहाँ पर लाभ क्या आपको हो सकता है क्या? देखिए गौरव भाई, जैसे कि आप बार बार अपने बयान में खुद कह रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस है वो केंद्र की राजनीति के लिए हुआ है, क्षेत्र की राजनीति के लिए, राज्य की राजनीति के लिए नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, ये बात बहुत स्पष्ट है, पहले दिन से क्लियर है। अच्छा, और जिस तरह से आपने देखा आईसीसी वर्ल्ड कप में लगातार इंडिया जीत रही है, क्या बात, 8 बार जीती है और इसे धोया उसने वचित को कि 100-100 रन से हारे हैं, वैसे ही इंडिया आगे जीती रहेगी और यहाँ भारत की राजनीति में इंडिया का वर्चस्व कायम रहेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी जो है 100 से आगे नहीं बढ़ पाएगी, 100 में ही फंस के रह जाएगी, क्योंकि बहुत भरे बड़े अंतर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हार रही है, इसीलिए वो परेशान है और कहीं ना कहीं इस तरह का एक इंप्रेशन बना जाती है कि विपक्ष में जो है एक सहमति नहीं है, ऐसा नहीं है, विपक्ष में सहमति है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इससे पहले जब चुनाव हुआ था राज्यसभा का तो राज्यसभा के चुनाव में इससे पहले आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश से लड़ी थी, छत्तीसगढ़ से लड़ी थी, झारखंड से लड़ी थी और राज्यों से इसी तरह से लड़ी थी, लेकिन वहां बीजेपी बुरी तरह से हारी थी और हमें भी वोट मिले लेकिन वहां कांग्रेस से जीत हुई। तो ऐसा नहीं है कि अगर आम आदमी पार्टी और दल वहां से लड़ रहे हैं तो उसका नुकसान सिर्फ जो है वो कांग्रेस को होगा, बीजेपी को फायदा होगा, ये गलत तरह से तथ्यों को पेश किया जा रहा है।
हो सकता, और हर हर पार्टी को राज्य में अलग चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल, आप बताओ भाई ना, पिछले चुनाव देखिए आप, मध्य प्रदेश में क्या आम आदमी पार्टी किसी साल लड़ी थी क्या? अच्छा, कौन जीता था मध्य प्रदेश में? क्या राजस्थान में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी? कौन जीता था वहां से? और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी जीती थी, वहां से लड़ी थी, वहां से कौन जीता था? अच्छा। तो ये सब आप ये नहीं कह सकते, सब आकलनबाजी है, आकलन है कि ऐसा होगा, ऐसा होता नहीं है। कई बार कई बार साथ में आने से कुछ वोटर जो है वो बीजेपी की तरफ चले जाते हैं, उसमें बीजेपी का रिवर्स दिशा में। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आई थी और उत्तर प्रदेश को साठ पसंद है, तो क्या हुआ था? समाजवादी पार्टी की सीटें कम हो गई थी और बीजेपी को बढ़त मिली थी, क्योंकि जो वोटर कांग्रेस का है वो समाजवादी पार्टी से वजह से कांग्रेस से हटके बीजेपी में चला गया था। तो ये पर रिवर्स मैकेनिज्म भी होती है। अच्छा। तो ये क्षेत्रीय क्षेत्र में और राज्यों में, राज्यों में चुनाव हो रहा है उसको राज्यों के चुनाव की तरह देखिए, और जो जो केंद्र में चुनाव हो रहा है उसको केंद्र में चुनाव की तरह देखिए। और मुझे पूरी उम्मीद है और जनता मन बनाए बैठी है कि बीजेपी को इस बार सत्ता से हटाना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी बयान दे चुके हैं कि वो राशन फ्री देने वाले हैं। राशन फ्री देने का मतलब क्या है? कि अगले पांच साल तक नौकरियां नहीं मिलेंगी, अगले पांच साल तक रोजगार नहीं मिलेगा, अगले पांच साल तक महंगाई काबू नहीं कर पाएंगे, अगले पांच साल तक जो जनता की उपेक्षा उस पर खरा नहीं उतर पाएंगे, इसीलिए वो राशन फ्री दे रहे हैं। इस राशन फ्री देने के पीछे बहुत सारे मैसेज भी है, उसके बाद आकलन भी कर सकते हैं। वो तो मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं अगले पांच साल तक, वो कह रहे अगले पांच साल फ्री का राशन मिलेगा, बयान दिया कर दी दिया मोदी जी ने। तो हमने हमने राशन फ्री नहीं दिया, हमने लोगों को सुविधाएं फ्री दी, आपने बिजली फ्री की, हमने बिजली फ्री की, हमने बिजली फ्री की। देखो उत्तर प्रदेश में आए थे तो आपका खाता नहीं खुला विधानसभा चुनाव में। गौरव भाई अभी आप देखिए, कल ही परसों इकोनॉमिक्स टाइम्स में बहुत अच्छा सर्वे निकला है, उसमें कहा है कि लोगों के पास पैसा नहीं है त्योहार में पैसा खर्च करने के लिए। अच्छा। धनतेरस के दिन लोग धन के लिए तरस रहे हैं। अच्छा। पैसा नहीं लोगों के पास कि त्योहार बना सके, वो लोन लेके कार ले रहे, लोन लेके बाइक ले, लोग लेके त्योहार बना रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से त्योहार बनाए जा रहे हैं। मेरा सवाल ले लीजिए, जो पहली बार ऐसा हो रहा है। ताकि भाई आपने सवाल ले लीजिए, बहुत अच्छी बात कही है आपने। शुरुआत में इंडिया क्रिकेट टीम की यहाँ बधाई दे रही, बिल्कुल हमारा देश है और लगातार इंडिया टीम आठवीं जीत दर्ज कर चुकी है, पर इंडिया टीम के जो 11 खिलाड़ी है ना वो एकजुट है, पता है आपको, तब आप जीत रहे हैं। आपके जो 28 लोगों का गठबंधन है इसमें लोग एकजुट नहीं है। किसने आपसे कहते एकजुट नहीं है? देखिए क्षेत्र में राज्यों में जो बयानबाजी हो रही है उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं कर रहे हैं क्या आप लोग? जो राज्यों में नेता बयान दे रहे हैं वो अपने आप को कई जगह कई वजह से सीटें देंगे कांग्रेस को। देखिए दिल्ली में हम बिल्कुल सीट देंगे, पंजाब में कितनी सीट देने वाले कांग्रेस? अगर वहाँ कांग्रेस कोई सीट जीतने की संभावना होगी, सुन लिया मेरी बात ना, हर आदमी सीट जीतने के लिए लड़ता है ना। अच्छा। ऐसे तैसे तो देंगे। अगर वहाँ पे अगर आम आदमी पार्टी को लग रहा होगा कांग्रेस वहाँ दो सीटें जीत रही है, हाँ। तो हम खुशी खुशी दो सीटें कांग्रेस को देंगे। अगर हम लगे पंजाब में कांग्रेस जीत रही है दो तीन सीटें, हाँ। तो हम खुशी खुशी वो सीटें कांग्रेस को देंगे। अच्छा। अरे हम तो चाहते हैं इंडिया जीते। आज आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और अंदर को छोड़ के हमारी एकता जरूरी है और हमारी जीत बड़ी होगी, और जनता भी ये जानती है कि बीजेपी का विकल्प निकल के आए और जनता इंडिया के साथ है। अच्छा। लोगों की दुआ इंडिया के साथ है, इसलिए इंडिया लगातार जीतता चला आ रहा है। चले ठीक है, कभी ऐसा हुआ इतनी बड़ी जीत हुई इंडिया की? आज देखिए क्या बात, ये दिल से निकलती दुआएं हैं। टीम की बात मत करिए भाई, अरे तो इंडिया जीत रहा, इंडिया नाम कितना शुभ है। 11 लोग एकजुट जिस इंडिया नाम बदलने की बात करी जा रही थी, उस इंडिया नाम कितना शुभ साबित हो रहा है, टीम इंडिया कैसे जीत रही है। चले ठीक है, बहुत अच्छा शुभ साबित हो रहा है, बस एकजुट हो जाए बस। आमिर भाई सबको सुन लिया आपने, अब यहाँ पर आईना आप दिखा दीजिए, बुरा ना माने कोई भाई, सच्चाई सामने जी। देखिए तीन बातें हुई है, एक आम आदमी पार्टी ने कही और एक भाजपा नेता ने कही, एक सपा नेता ने कही, प्रवक्ता ने कही। सपा प्रवक्ता ने सबसे पहले कहा था कि पार्टी का विस्तार, बहुत अच्छी बात है, पार्टी को अपना विस्तार करना चाहिए जी। तो फिर दूसरी पार्टियों पर लाक्षण नहीं लगाना चाहिए। क्या बात है, कि वो भाजपा की बी टीम है, भाजपा की बी टीम है। मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, तमाम तरह के ओवैसी पर आरोप लगते हैं जब वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं, तो समाजवादी पार्टी वाले मंचों से उछल उछल के ओवैसी को गालियां देते हैं, कोसते हैं, बिल्कुल बी टीम बोलते हैं। यही काम अगर समाजवादी पार्टी कर रही तो उसको ये कहा जाए कि विस्तार कर रही तो नहीं उचित होगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे भी कि एक खेत अलग अलग है, खाना एक साथ खाएंगे, हाँ। तो शायद इनको तजर्बा नहीं है। फिर अभी तमाम फैक्ट्रियों में, तमाम कंपनियों में जो लोग काम करते हैं अपने घरों से खाना लेकर के आते हैं और एक जगह बैठकर खाते हैं, ऐसा नहीं है। भाइयों भाइयों में भी ये होता है कि चूल्हे भले अलग हो जाए, हाँ। पत्नियों के चक्कर में, लेकिन फिर भी एक एकता रहती है कि खाना एक जगह खा लिया जाता है। खैर हम इस पर बड़ी चर्चा नहीं करेंगे ना, ये चर्चा का विषय है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जो जिसकी हैसियत के हिसाब से
तीसरी बात ये कही कि तो एक देंगे एक हाँ, जीतने दो तो ये तय कैसे होगा कि आपकी एक हैसियत क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आप। इसका कोई पैमाना नहीं है गौरव जी कि कौन सा पैमाना लाएंगे, कहां से लाएंगे। समाजवादी पार्टी पांच जीत रही है। आप देखिए सबसे मजबूत भाजपा प्रवक्ता ने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, सबसे मजबूत गठबंधन उत्तर प्रदेश में 2019 में हुआ था सपा और बसपा का, लेकिन परिणाम क्या हुआ गौरव जी? परिणाम ये हुआ कि वो 5 पे सिमट गए, वो 10 पे सिमटी। लेकिन होना ये चाहिए था कम से कम दोनों दल जब मिले तो 50 सीटें आना चाहिए थी। लेकिन वहां पर एक मैसेज चल जाता है कि यादव वोट बसपा के कैंडिडेटों को प्रत्याशियों को वोट नहीं करेगा, तो दलित वोट भी बिखर गया, बिफर गया, वो भी बीजेपी में चला गया। यादव वोट पहले से 3.5% बीजेपी में था, तो कुल मिलाकर के दोनों धाराशाही हो गए, वरना बसपा की और सपा की सीटें जो दुर्गति हुई है गौरव जी वो इतनी नहीं होती। आपको याद होगा 2014 में बसपा की एक सीट नहीं थी, लेकिन गठबंधन होते ही बसपा की 10 सीटें आई। समाजवादी पार्टी की 5 सीटें थी 14 में, 5 ही सीटें 19 में भी। लेकिन परिणाम उसके बरस फिर हुआ करके जब उपचुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी की 2 सीटें और चली गई, 3 ही रह गई। तो अब ये तय कैसे होगा कि गौरव जी कि 3 सीटों वाला 65 सीटों पर लड़े और जो राष्ट्रीय पार्टी है वो 10 सीटों पर लड़े? ये दिस नॉट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है? या इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी ये कैसे मान लेगी? अब आ जाइए मध्य प्रदेश और राजस्थान का गौरव जी, फिर वही बात है, कहीं ना कहीं ये दबाव बनाने वाली राजनीति थी जिससे कांग्रेस ने अपने को किनारा किया और अखिलेश को आईना दिखाया कि ठीक है भाई तुम लड़ लो 33 सीटें 35 सीटें जो भी कुछ लड़ना है लड़ लेने दीजिए। रिजल्ट सामने आ जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश में सच्चाई तो ये, इससे पूर्व में भी कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, ये अलग बात है कि कांग्रेस के ही लोग गद्दारी ना करते तो शायद आज भाजपा की सरकार ना होती मध्य प्रदेश में। कमोबेश यही स्थिति महाराष्ट्र में भी हुई थी, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार बनी, शिवसेना से मिलकर बनी थी, लेकिन बाद में हुआ भी जो धोखेबाजी। तो राजनीति में गौरव जी परमानेंट कोई किसी का दोस्त नहीं है, परमानेंट कोई दुश्मन नहीं है। आज अखिलेश जी भले कुछ कह रहे हो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ता प्रवक्ता या नेता कुछ कह रहे हो, लेकिन अभी 3 दिसंबर के बाद पिक्चर क्लियर होगी गौरव जी। 3 दिसंबर के बाद ये पिक्चर क्लियर होगी उत्तर प्रदेश में क्या होना है। लेकिन फिर समझिए गौरव जी, अगर उत्तर प्रदेश में दबाव की राजनीति रही, ठीक है समाजवादी पार्टी के पास वोट 2022 सीट देने वाले लेने वाले नहीं है, बोल तो चुके हैं कई बार। वही मैं कह रहा हूँ, अब वही तो बात है ना कि वोट, फिर सवाल पड़ा पैदा होता है कि उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है मजबूत समाजवादी पार्टी का, उसके पास वोट कौन सा है? वही कुल मिलाकर के मुस्लिम वोट, अल्पसंख्यक वोट जी। भाई इसके अलावा तो कोई वोट नहीं मुझे समझ में आता है। पर कुछ परसेंट के हिसाब से ब्राह्मण वोट मान लीजिए, कुछ ठाकुर वोट तो मैं आज की तारीख में नहीं समझता हूँ समाजवादी पार्टी के पास है, क्योंकि अगर ये होता तो 2017 में पीडीए में तो उनका पिछड़ा दलित और दलित देखिए सिर्फ 2022 में दलित वोट बीजेपी में फुल फ्लेज चला इसीलिए गया। और ये बात मायावती जी ने बाद के चुनाव के बाद स्टेटमेंट भी दिया था कि सपा की सरकार ना बने इसलिए मेरा दलित वोट बीजेपी में गया। बिल्कुल मायावती जी के इस बयान से 100% हम सहमत हैं, क्योंकि दलित वोट ही इसलिए बीजेपी में गया कि सपा की सरकार बने ना बने, इसलिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही इतनी चर्चा इतना प्रचार हो गया था और मुसलमानों ने भी एक तरफा 99% बीजेपी सपा को वोट दे दिया था, इसीलिए दलित वोट भी उतर गया कि किसी तरीके से सपा की सरकार बने। क्योंकि तमाम लोग, ये बात हकीकत है, भले मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ रहा हो या है, लेकिन ये भी ईमानदारी बात है कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों को गौरव जी कभी कुछ मिला विला नहीं, ये कड़वा सच है। और हो सकता है हमारे मुझसे बेहतर हमारे भाई छोटे भाई बैठे हैं प्रवक्ता जी समाजवादी पार्टी, वो भी जानते होंगे। अच्छा। और ब्राह्मणों का तो कोई मसला ही नहीं होता मिलने मिलाने का। क्या बात। तो कुल मिलाकर के सपा के 4 दौर देखे हमने भी, 3 दौर मुलायम सिंह जी के और 1 दौर अखिलेश जी का, क्या रहा है मुझसे बेहतर गौरव जी आप भी जानते हैं। मैं इस पे बहुत ज्यादा इसकी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन कुल मिलाकर के जहां गठबंधन की बात है तो देखिए एक बात समझिए, अहंकार को त्यागना होगा, संयम रखना होगा, संयम रखना होगा, तब तो ये गठबंधन गौरव जी एक लोकसभा में जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। चर्चा आगे बढ़ाता हूँ, आपको लगता है कि जो जहां जहां ये विपक्ष आपस में लड़ रहा है वहां बीजेपी फायदा होगा? देखिए गौरव जी बात लगभग आपकी ठीक है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, फायदा वहाँ होता है जहाँ पर मजबूत मामलात होते हैं। अच्छा। लेकिन राजस्थान में सपा का क्या है या मध्य प्रदेश में क्या, कहने को तो मुझे जो मेरे पास जो आंकड़ा है वही मैं बता रहा हूँ। बागेश्वर का मामला देखिए, एक बात समझ लीजिए, अजय राय जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने एक छूटते कहा था मैंने बड़ा दिल करा और घोसी में मैंने कैंडिडेट नहीं दिया, तो कम से कम अखिलेश को भी ये सोच लेना चाहिए था कि बागेश्वर में कैंडिडेट ना देते। देखिए ये तो है बराबरी का मामला, लेकिन जहां पर फिर वही बात घुमा फिरा जाती है कि जहां पर दबाव की और अहम की राजनीति होती है अहंकार होता है गौरव जी, वहां पर फिर बहुत दिनों तक रिश्ते सलामत नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं रिश्तों में दरार पड़ती है। और यही हो रहा है कि 5 प्रदेशों में जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, कहीं सपा लड़ रही है कहीं बसपा भी लड़ रही है, लेकिन कुल मिलाकर के अभी जैसे अंकुर सक्सेना जी कह रहे थे मुझे 2 सीटें पिछली बार दी थी, इस बार 1 दी,
तो दो सीटें मिल सकती थी, हो सकता है कि ज्यादा पैरवी ना की गई हो इसलिए दो सीटें ना मिली हो, लेकिन जहां तक किसान पर अमर भाई, ये दूसरी पार्टी को किसी राज्य में अगर हम मजबूत हैं तो दूसरी पार्टी को कमतर आंकना, ये राजनीति बड़ी खराब है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि यहाँ पर संविधान में देखा सतपाल जी बयान दिए थे, उन्होंने बयान दिया था कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, तो इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। ये किसी की हैसियत आंकने वाली जो राजनीति हो रही है ये नुकसानदेह है। देखिए गौरव जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कुछ नहीं है, कुल मिलाकर के इसकी भी जिम्मेदार कांग्रेस है गौरव जी। अच्छा देखिए, तीन दशक से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बिल्कुल शून्य हो चुकी है, ये तो सब जान रहे हैं, आप मुझसे बेहतर आप भी जानते हैं। सन 88 के बाद से कांग्रेस ने सत्ता का मुंह ही नहीं देखा है, और आज समाजवादी पार्टी जहां पर भी है, राष्ट्रीय पार्टी बनाने में भी इसका कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है गौरव जी। 90 में अगर मुलायम सिंह जी की सरकार ना बचाई होती कांग्रेस ने, तो शायद मुलायम सिंह खत्म हो गए होते, क्योंकि जिस तरीके से एलआईयू की रिपोर्ट थी, उन्होंने विधानसभा भंग करके चुनाव में आ गए थे, उसी चुनाव का परिणाम हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई थी। उसके बाद लगातार ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इनको समर्थन दिया है और इनको बरकरार रखा है। तो गौरव जी ये बात समझना चाहिए, जहां तक और जहां तक धोखा और चालू की बात है, देखिए गौरव जी अगर आप इतिहास पढ़ लीजिए समाजवादी पार्टी का, तो राजीव गांधी से लेकर के और स्वर्गीय अजीत सिंह और मौजूदा में भी तमाम लोग ऐसे भी हयात हैं, जिंदा हैं, कि जिनको मुलायम सिंह जी ने धोखे दिए। राजीव गांधी को ले लीजिए, चंद्रशेखर को ले लीजिए, बीपी सिंह को ले लीजिए, नहीं अजीत सिंह को ले लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी, तमाम लोगों को विवेक भाई नाराज इसलिए नहीं होंगे, वो जानते हैं कि हम सच्चाई बोल रहे हैं। तमाम लोग ऐसे रहे जिसको सपा ने धोखे दिए, तो धोखे की और ये चालू करने, देखिए राजनीति में सब कुछ चलता है, कुछ ना चलता नहीं देखा जाएगा। ठीक है भाई पांडे, सुन लिया आमिर भाई को, आईना दिखाया उन्होंने, अब आईना आपको पसंद आया कि नहीं आया, आपको जवाब देना। नहीं गौरव भाई देखिए, आईना जहां तक दिखाने की बात है, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि राजनीति अवसरवादिता का गलियारा है। बिल्कुल। और अगर आप इसको भावनाओं से देखते हैं, भावनाओं से तौल करके देखते हैं, भावनाओं के आधार पे इसका समीकरण और निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, तो गलत है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यह अपरिपक्वता की निशानी और परिचय हो जाएगा। अच्छा। आदरणीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने जो भी कहा, ये उनके अपने तर्क है, बिल्कुल उनका भी स्वागत होना चाहिए और होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर उनका दृष्टिकोण इससे प्रेरित है तो फिर मैं उसमें आलोचना करके अपना समय व्यर्थ क्यों करूं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि चूंकि आज मसला जो है, आज का जो राजनीतिक माहौल है, आज वर्तमान में जो भारत के सामने चुनौतियां हैं, आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती के युवाओं को पुलिस फिर घसीट रही है, डायल 112 के हड़ताल पे चले जा रहे हैं, मैं किसी मुद्दे पे नहीं जा रहा, मैं जवाब ही दे रहा हूँ। ये आमिर भाई ने आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग संगठन विस्तार की बात करते हैं, ओबीसी उत्तर प्रदेश में आते तो आप यहाँ पर आया करते हैं कि बी टीम बोलते हैं, ये क्या भाई? तो ये तो ओबीसी, ये तो यही तो बात मैं आपसे कहने जा रहा था, जो आपने मुझे टोक दिया। हाँ। कि जब मुद्दों के आधार पे आप आते हैं और जब आपके ऊपर आरोप लगते हैं, तो जो आपके नामित प्रवक्ता है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस बात को स्पष्ट करें कि आप अपना संगठन विस्तार करने आए हैं। आप संगठन विस्तार करने तभी आते हैं, और वहीं आते हैं जहां पे भाजपा के विरुद्ध मजबूत प्रत्याशी उतारे जाते हैं। मेरा कहना है तो ओवैसी जी की पार्टी के प्रवक्ता ये जिम्मेदारी ले और बताएं ना कि वो संगठन का विस्तार करने आए, हम उसमें कहां आलोचना कर रहे हैं। लेकिन जब आप आधिकारिक रूप से इस बात को स्पष्ट नहीं करेंगे और उसके बाद आप गायब हो जाएंगे, फिर आप बरसाती मेंढक की तरह बाहर आएंगे, तो इसको क्या कहा जाएगा जी। तो मुझे लगता है, मैं अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से बैठा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये हमारे लिए अवसर है, तो ये बात ओवैसी जी के प्रवक्ता बोले ना, हम तो स्वागत करेंगे। अच्छा। और हर राजनीतिक दल को अपने करना चाहिए। देखिए विवेक भाई, यही सेम स्थिति मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में सपा की भी है भाई साहब। और जहां तक संगठन की बात है, ऐसा नहीं ओवैसी के जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये अलग बात है कि आमिर साबरी उसका कोई हिस्सा नहीं है, ये मैं बहुत वाजे कर दूं, स्पष्ट कर दे रहा हूं। तो लेकिन एक सच्चाई भी तो है, यही स्थिति सेम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और आज की तारीख में दो अभी चुनाव नगर निकाय चुनाव में फिरोजाबाद में नंबर दो पर ओवैसी रहे और इस बार मेरठ में नंबर दो पर रहे, तो ऐसा नहीं हो, ओवैसी का वोट नहीं है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पैदा हुई, आगे बढ़ी, जन्मी पली बढ़ी रही है और परवरिश पाई है, इसी तरह ओवैसी उत्तर प्रदेश परवरिश पा रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि आज वोट नहीं है कल वोट नहीं होगा। हाँ। देखिए अगर जय यादव और मुस्लिमों को राजनीति सुन ली है पूरी बात, तो कल मुस्लिम वोट अगर ओवैसी की झोली में चला जाता है तो कल क्या परिस्थितियां बनेंगी, क्या स्थितियां बनेंगी विवेक भाई? फिर तो सपा बिल्कुल जीरो शून्य पर पहुंच जाएगी। मैं पूछे जाता हूं, एक बात पूछे जाता हूं, मेरी बात आ जाए अगर ओवैसी जी की क्षमता हो वोट लेने की तो लेना, हम कहां रोक रहे हैं उनको।
चुनाव लड़ने से कोई किसी को रोक सकता है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन कम से कम आरोप प्रत्यारोप तो ना करें, विवेक भाई सबका अधिकार है, मौलिक अधिकार है चुनाव लड़ने का, भले हम निर्दलीय लड़े इंडिपेंडेंट लड़े, लेकिन ये मेरा अधिकार है, आप इसको नहीं रोक सकते। नहीं अधिकार तो बिल्कुल है, अधिकार लड़ना चाहिए। सवाल कर रहा हूँ कि आमिर साबरी जो बात कह रहे हैं ये बात ओएसी के प्रवक्ता क्यों नहीं कहते? अच्छा। और आमिर साबरी जी को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? हमें भाई कोई तकलीफ नहीं, मैं तो सिर्फ आईना दिखा रहा हूँ, सच बात बोल रहा हूँ। अभी आम आदमी पार्टी वाले हो सकता है अभी तबर्रा पड़ने लगे कि वो ये भी यही कहना चाह रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का भी उत्तर प्रदेश में क्या था, लेकिन चूंकि राजनीतिक पार्टी है लड़ने आई है, किसी ने आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की सारी सीटों में चुनाव लड़ी है, सबको साथ में चुनाव लड़ी है, सिर्फ दाढ़ी रख के दाढ़ी दाढ़ी नहीं मिलाई आम आदमी पार्टी, पार्टी खुल करके भागीदारी सुनिश्चित कर रही है, नहीं मिलाई है हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रही है, खुल के सारी सीटों में चुनाव लड़ रही है, दिखाई दे रही है, क्या वोट मांगा है ओएसडी की पार्टी कहां गया है? तो ओएसडी ने खाली मुसलमानों को वोट मांगा है, फिर और किसका वोट मांगा है? ये आप गलत कर, ये आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप है, वोट मिले मुसलमानों को मिला भाई, आप आज किसी भी राज में ओएसडी का आरोप है, ये आरोप है, चले हो ये सी को भाई, ये तो ऐसी आरोप मत लगाओ, लोग एक तरफा बात करते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी ओएसडी साहब की एमएलए की इतनी सीटें हैं, गौरव जी अभी 3 दिन पहले योगी जी का बयान आया था, सुन लीजिए तारीख बैठक की भाई, अभी 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री का बयान आया था, देखिए हम रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बात कर रहे हैं इसराइल और अमेरिका की, कह रहे हैं कि तालिबानी सोच के लिए हनुमान जी का गदा जरूरी है, इसराइल जो कर रहा है ठीक कर रहा है, अब आप बताइए देश की राजनीति और देश की नीति बात कर रहे हैं फलस्तीन की हिमायत में और योगी जी बोल रहे हैं इसराइल की हिमायत में, तो ये चुनाव को डाइवर्ट करने की जो चल रही है मानसिकता चल रही है गौरव जी, ये कहां का न्याय है? आप बताइए, आप बात करिए हिंदुस्तान पे, आप बात करिए, लेकिन आप इसराइल और अमरीका पहुंच जाते हैं, अरे बात ओवैसी साहब पे हो रही है, तो ओवैसी क्यों नहीं, अभी आप इसीलिए मैंने ये बात कही, आप भी ओवैसी की दाढ़ी मिला रहे हैं, कोई मतलब नहीं है तकी भाई इस बात का, कोई मतलब नहीं है, और जनों की बात हर आदमी मिलाता है, ब्राह्मण ब्राह्मण मिलाता है, ये ओवैसी जी की पार्टी को लेकर के डिबेट हो रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तकी भाई डाइवर्ट करना चाह रहे हो इसी तरफ, लेकिन मैं यही कह रहा था कि आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश, लेकिन किसी ने भी नहीं कहा, किसी मुसलमान ने कहा भी नहीं, 10 साल पुरानी पार्टी है ओवैसी साहब की पार्टी, बहुत साल पुरानी पार्टी है, कितने कितने एमएलए अभी आप खुद समझिए, एमएलए ओवैसी साहब के कितने एमएलए उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत बताइए, पंजाब में कितने एमएलए और दिल्ली में कितने मिले, कितने मिले, सबको अधिकार है अपनी पार्टी को, आपको भी अधिकार है, उनको भी है, उनको भी है, मैंने किसी पे आरोप नहीं लगाया था, आरोपों का खंडन कर रहा हूँ, आप चुनाव लड़ने आए हैं, मैं तो आरोपों का खंडन कर रहा था, मैंने आरोप नहीं लगाया किसी पे, ठीक हो गया, कोई पार्टी का चुनाव लड़ रही है, सारी सीटों में चुनाव लड़े भाई, हो गया कौन सी वही सीटों में जा रही, इसी बात में चुनाव लड़ रही है, बीच में कूदिए प्लीज, बोलिए गौरव भाई, मेरी दो बात आ जाए, जल्दी बोलिए, भाजपा के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही थी कि खेती अलग करेंगे और खाएंगे साथ वाली बात, ये एकदम बिल्कुल वही उदाहरण था जैसे आतंकवाद से लड़ेंगे और आतंकवादियों को अपने गुट में शामिल करेंगे, इन्होंने दूसरा तर्क दिया था, दूसरा तर्क दिया था ब्रिटेन के बयान को लेकर के, ब्रिटेन के बयान करके, ब्रिटेन ने मणिपुर के लिए कहा था लेकिन इनको इसराइल और फिलिस्तीन सुनाई दिया, अच्छा ब्रिटेन ने कहा था कि मणिपुर की घटना पे मोदी जी फोन करें, लेकिन नहीं नहीं मेरी बात आ जाए तो भाजपा को बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है, अच्छा ये गठबंधन की समस्या भी नहीं है, मेरी बात आ जाए, मेरी बात आ जाए, बोल लीजिए, गठबंधन की समस्या भी नहीं है, और अगर हम कोई बात स्पष्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण है कि आज जो राजनीतिक दल मनमानी चंदों के कानून से परेशान है, अच्छा। इस कानून को भी रातों रात भाजपा और कांग्रेस ने तब पास कर दिया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने जांच के मामले में इनकी नकेल कस दी, ठीक है ठीक है, तो भाजपा और कांग्रेस एक कैसे हैं उसको भी समझिए, ठीक है हो गया, पर किसी पार्टी को बरसाती मैडक मत बोलिए, क्योंकि ये अगर बरसाती मैडक बोलेंगे तो शायद आप पर भी लागू हो जाएगा, जैसा मेरे भाई ने बताया है कि आप भी केवल चुनाव के समय ही जाते हैं, ठीक है, भाजपा कुछ जवाब देना चाह रहा है आपका, दुआ कर भाई बात बोलिए, हम इस आपसी लड़ाई में और संजोग से हमारे पत्रकार महोदय जो स्वतंत्र पत्रकार हैं ये भी किसी मानसिकता से ग्रसित हैं, ग्रसित नहीं है, लेकिन अच्छी बात बोलिए, क्या दिक्कत है, एक तरफ इनका फोकस है जी, ठीक है जी, जो इनकी विचार है भाई, इन्होंने कहा क्या कर रहे हैं भाई, इन्होंने जो कहा, इन्होंने बहुत सही बात कही कि कंपनी का उदाहरण दिया जी, ये पार्टी नहीं है, अच्छा ये लोग एक कंपनी बना रहे हैं, कंपनी बना रहे, हाँ कंपनी व्यवसाय के लिए कंपनी बना रहे हैं कि इतना लाभ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कर सकते हैं तो कंपनी बनने में क्या, अरे मैं चुप रहा, आप चुप, अडानी अंबानी आपके पास है, आप बैठिए, अडानी अंबानी आपके पास है, चुप रहिए, चुपचाप सुना पांडे जी, आपका जवाब, कंपनी
कंपनी और व्यापार तो भाजपा कर रही है। राम मंदिर का 1400 करोड़ का चंदा खा गई, उसका हिसाब हो गया। बोल लीजिए आप, तब सुन लेते हैं। सुनने की क्षमता नहीं है ना, कुछ तो है नहीं। अच्छा कुछ है नहीं इनके पास, कुछ है नहीं। अरे ऐसा बढ़ गया, घर में दाना नहीं चले भुजाने, वो हाल है आपके पास। कोई ना कोई कोई जनाधार नहीं चले हैं, राष्ट्रीय पार्टी चले हैं, राजस्थान में सीट मांगने चले हैं, मध्य प्रदेश में सीट मांगने। कांग्रेस ने आपको आईना सही दिखा दिया, आपके नेचर को कांग्रेस ने आईना दिखा दिया है। कुछ नहीं, कोई घर में दाना नहीं चले भुजाने, वही हाल है। और जहां तक मैं आपकी बात का जवाब दूं, पहले इनको दे दूं, सावरी साहब को जी। ये इनकी लड़ाई में आप काहे को बीच में पड़ रहे हैं, कहीं इकट्ठा नहीं होने वाले हैं। अच्छा। ना आपके संदेश का इनके पे असर है। अच्छा। ना आपके कुछ है। अच्छा। ये लोग अपने अपने मिल के मालिक हैं। अच्छा। अपने अपने मिल अलग चलाएंगे। अच्छा। ये लोग गठबंधन केवल जनता को ये लोग मूर्ख समझ रहे हैं। अच्छा। केवल जनता को। अच्छा। ये लोग मूर्ख समझ रहे हैं, जो हम कहेंगे वही करेगी जनता। अरे वो जनता नहीं है। अच्छा। आज सोशल मीडिया की जनता है, आपसे हमसे ज्यादा विवेक रखने की जनता है, वो निर्णय लेती है। घर का वोट एक जगह नहीं जाता है विवेक जी। हाँ। आप जात की बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी जात की बात नहीं करती है। हाँ। घर का वोट भी मतभिन्नता का साथ जाता है, शामिल कर लेती है। सुन लीजिए, शामिल करते हैं, आपको भी शामिल करते हैं, आपको भी शामिल करेंगे। आपके लोग भी आ रहे हैं, आपके लोग भी लाइन लगाए हुए हैं, आपके पास कुछ है नहीं। ये आपकी हाल ये हो गई है, आपकी हाल हो गई। अतरानी का एक कमेंट था, आधे इधर आए आधे उधर आए, आधे भाजपा में जाएंगे आधे कांग्रेस में जाएंगे, आपके पीछे रहने वाले कोई नहीं रह जाएंगे। जो स्थिति आपकी पांडे जी सुन रहे हैं, आपके पास कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं। आधे इधर जा रहे हैं आधे उधर जा रहे हैं, आधा भाजपा में चले जाए आधा कांग्रेस चले जाएंगे, पीछे कोई नहीं रह जाएगा। भ्रष्टाचारियों की जमात है। अरे आप देश के भ्रष्टाचारी बात करेंगे, आपकी न्यू भ्रष्टाचार से आप बात क्या करेंगे। नरेंद्र मोदी भी, अरे आप सुन लीजिए, क्या पांडे जी, मैं तो समझ रहा था कि आप सज्जनता के साथ सुनेंगे पूरी बात। मैं आप में कमेंट नहीं किया, चाह करके गोल इशारा किया, लेकिन आप सुनने के लिए जरा सा भी आपको तैयार नहीं है। अच्छा सुनिए पूरा, अपनी बात को दबा के मत रखिए। ओम प्रकाश राजभर को आप रख नहीं पाए, ओम प्रकाश राजभर को रख नहीं पाए, आप क्या बात है। या तो आप सुने या तो हम बोले, आप सुन लीजिए, या तो आप सुने या तो हम बोले, सुन लीजिए। ओम प्रकाश राजभर को रख नहीं पाए, आप कैसी बात करते हैं। मैं कहता हूँ भाजपा के लोगों में आप सम्मान नाम की चीज नहीं है। अच्छा। न स्वाभिमान है। अच्छा। ये चार दिन पहले उन्हीं से जूते खा रहे थे और चार दिन बाद उन्हीं को गले लगा रहे थे। अच्छा। उन्हीं के दिया हुआ कटोरा पकड़ रहे थे। छोड़ दीजिए आप सम्मान स्वाभिमान की क्षमता भाजपा बोलने की बीमारी हो गई है। अच्छा आप जरा सुनिए तो, आप ओम प्रकाश राजभर सामाजिक स्तर का गिरा हुआ कोई नेता होता है तो भाजपा में दिखाई देता है। ऐसा है कि आप में थे तो ठीक थे, आप में गए तो अच्छे स्तर के थे, और जब पुनः उनका दिमाग बदला, आप लोगों की चाल को समझे, पुनः मूल में आ गए। हाँ। तो आपको खराब लग रहा है। अच्छा, अरे कोई घर का भूला शाम को भी वापस आ जाता है, तो अपना आता है। मारने वाले थे। अरे आप क्या कह रहे हैं, आप क्या जा रहे हैं। आपने स्वीकार किया, आपने स्वागत किया भाई। हाँ। अरे स्वागत हमारे, हम तो सर्व समाज का स्वागत करते हैं भाई। शीशे के सामने खड़े होकर के अपना चेहरा देखिए आप लोग, आपके अंदर स्वाभिमान ना। यार इनको सुनने की बीमारी है कि नहीं। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, आप तो मुद्दे को आपके पास है नहीं, जैसे झगड़ा होती है ना। हाँ। तो अखाड़े से छोड़ दीजिए, मुझे आपसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, नहीं है। नहीं तो सुनिए, आपसे आपके सुनने की मुझे नहीं जरूरत नहीं था। इस मंच पे जितने लोग बैठे हैं सबको पता है कौन कितना बड़ा प्रवक्ता है। नहीं आप कितने बड़े हैं मैं जान गया आपकी भाषा से। अरे मैं अपनी मनपन की बात ही नहीं कर रहा, आप सुनिए पहले, सामान्य प्रवक्ता हूं भाई। आप सुनिए पहले, दल का प्रवक्ता हूं। तो बीच में मत बोलिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, सामान्य शिष्टाचार, आप अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सामान्य शिष्टाचार को फॉलो करिए। जब मैं आपने की ही बात कर रहा हूं, आपने बोला नहीं, आप तथ्य सही मैं तो अभी साबरी साहब पे जा रहा, तब तक आप बीच में कूद पड़ रहे हैं। आपकी बात आता थी आप बोलते। हाँ। तो साबरी साहब जितनी आपने नसीहत दिया है, इसके पहले लोग भी नसीहत दे चुके हैं, पूरे देश को एकजुट कर चुके हैं कि इनके खिलाफ लड़ना, इनके खिलाफ लड़ना, लेकिन हमारे में कोई कमी नहीं है, जनता हमारे साथ है, आपके मुद्दों पे आकर्षित नहीं है, आपके तरफ जनता नहीं आ रहे, तो आप लोग अलग अलग जा रहे हैं कि जो अपना वही बचा ले। और सुन लीजिए, हाँ, पांडे जी जो कह रहे हैं, हाँ, पांडे जी पहले अपना अपने पार्टी को, हाँ, अखिलेश भैया को, हाँ, हम लोग बड़ा नेता मानते हैं, राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सभी लोग जानते हैं, कम उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये भी बड़ी खुशी की बात है। क्या बात है। लेकिन शिवपाल जी का एक बयान आपने सदन में सुना होगा, याद कर लीजिए, जब माननीय जोगी जी का अपने नाम लिया है जी। जब जोगी जी
कहे कि अरे आपने इनको सिखाया नहीं कुछ हाँ। तो शिवपाल जी का मैंने सुना है हाँ। कहे कि अरे भाई आए पढ़ के विदेश से और सीधे मुख्यमंत्री बन गए, सीखने अच्छा। आने का समय ही नहीं मिला। क्या बात, ये बात सत्य है कि नहीं सत्य है? अब परिवारवाद के जनक आदरणीय योगी जी जैसे अपने चाचा के सानिध्य में रहे उतना समय नहीं मिला ना। बात तो सही कर रहे हैं, सुन लीजिए आप तो आपकी पार्टी है अखिलेश जी का हमेशा यूज होता है, अखिलेश जी का अखिलेश जी के भोलेपन का कैसे मिलता, अखिलेश जी के अखिलेश जी के बातों को लोग उपयोग करते हैं और अखिलेश जी तो भेंट देते हैं। गठबंधन से अभी बसपा का लाभ हुआ, गठबंधन से अभी सामने सामने का बसपा की जीरो सीट थी, दस आगे अखिलेश जी का नुकसान हुआ। और आप क्या बताएंगे, इनको क्या सिखाएंगे, इनको क्या सिखाएंगे? ये लोग बटे हुए हैं, बटे ही रहेंगे। इनको इकट्ठा आप मेढक को तोड़ नहीं सकते, चाहे बरसाती बनाए चाहे जो बनाए तोड़ नहीं सकते। ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, ऐसे दिखाई दे रहा है। चलिए मैं आपकी बात मानता हूँ भाई, यहाँ पर तो आपसे में ही तलवारें खिंच गई। आमिर भाई ने ऐसा आईना दिखाया कि समाजवादी पार्टी नाराज हो गई। अब आप लोग आना आईना मत दिखाइएगा। नहीं, हम आईना नहीं दिखा रहे हैं, हम केवल जमीन के काम कर रहे हैं और इलेक्शन हम जीत रहे हैं। अच्छा। और हमें पूरा पूरा जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक आ रहा है वो 160 प्लस सीटों का आ रहा है मध्य प्रदेश से। क्या बात है? लेकिन भाजपा से मेरे साथी बड़े भाई ने एक बात बोली थी कि विश्व गुरु ये शायद व्हाट्सएप से आया होगा, इन्हें हाँ। मणिपुर 180 दिनों से जल रहा है, वो नहीं संभाल रहे अच्छा। संभाल पा रहे हैं तो विश्व गुरु बन रहे हैं। भूखमरी में 111 नंबर पे 125 देशों की सूची में हम आ गए हैं। डॉलर 83.5 पार कर गया, ये भी विश्व गुरु बना है। भरोसा कम करिए, कम करिए, पूरी दुनिया में सबसे ये रिसर्च का भरोसा आपके पक्ष में जाएगा तो आप बोलेंगे। बेरोजगारी का रिकॉर्ड जिस गुरु ने तोड़ दिया है और लोन लेने में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोन किसी प्रधानमंत्री ने लिया, तो मोदी जी ने 100 लाख करोड़ का लोन लिया है, 10 लाख का सूद पैर है, तो हर चीज में विश्व गुरु तो बन रहे हैं लेकिन तो नीचे से बन रहे हैं। अच्छा। ये थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा मेरे को, तो नीचे से बन रहे हैं महान हर चीज में, आप कोई सा भी आंकड़ा उठा लीजिए, नीचे से विश्व गुरु बन रहे हैं, वो ऊपर से तो बन नहीं रहे। अच्छा। व्हाट्सएप पे इनको आ रहा है ऊपर से बन रहे हैं तो ये वो प्रचार करते हैं झूठ का। लेकिन मध्य प्रदेश पे मैं आना चाहूंगा, मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है और जो स्थिति हमें पता है, जो गद्दार थे कांग्रेस के साथ जिन्होंने गद्दारी की थी और मध्य प्रदेश के साथ जनता ने गद्दारी की थी, वे 98% सीटें हार रहे हैं। गद्दार जितने भी थे वो उस एरिया के सारे गद्दार हार रहे हैं। अच्छा। और जो भी कांग्रेस को हल्के में लेने का प्रयास कर रहे हैं या सोच रहे हैं अच्छा। उनकी गलत फहमी है, क्योंकि कांग्रेस ही विकल्प है और इस देश को कांग्रेस ही आगे बढ़ाएगी। और कांग्रेस विकल्प के लिए आप लोग INDIA क्यों नहीं बोलते हैं, कांग्रेस क्यों बोलने लगते हैं? INDIA आप गठबंधन छोड़ दिया क्या आपने? विकल्प आप INDIA ही बताइए, आप कांग्रेस क्यों बताने लगते हैं? INDIA से अलग हो गए क्या? मैं अपनी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। गठबंधन पे अगर मैं बात करूंगा तो मैं इंडिया ही लूंगा। अच्छा अच्छा। और दूसरी ये बात है कि तकी भाई की बात से मैं सहमत हूँ, इंडिया जीत रहा है। जैसे इंडिया का नाम आता है तभी इनको प्रॉब्लम हो जाती है भाजपा वालों को, प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठा हुआ आदमी भी घमंडिया बोल देता है इंडिया गठबंधन को, तो इंडिया नाम से इनको चिड़ होने लगी है। इन्होंने प्रचार प्रसार करा के भारत इंडिया नाम रख लेने से राम नहीं हो जाएंगे, राम नाम रख लेने से राम नहीं हो जाएंगे, राम का आदर्श होना चाहिए भाई साहब। इंडिया नाम रख लेने से हाँ। भारत देश है, इंडिया उसका सम्मानित नाम है। अच्छा। इंडिया क्रिकेट टीम से आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, वहाँ झगड़ा नहीं हो रहा, साथ में मिलके खेलते हैं 11 प्लेयर हाँ। साथ में खेल रहे हैं, झगड़ा कहाँ हो रहा है? और यहाँ झगड़ा हो गया, कोई बाल अभी ओम प्रकाश राजभर इनकी तारीफ कर रहे थे, वो आपको इंडिया में दिखाई देंगे देर के बाद? अभी इलेक्शन आने दीजिए 2024 में, अभी लोग वो अचार सीधा ले दीजिए, अभी बहुत चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए गौरव भाई, आपने कहा था इंडिया का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, इंडिया का नाम मेरा बोलना है। दिवाकर जी, दिवाकर जी, आम आदमी पार्टी प्लीज जबरदस्ती पूरी करिए। मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे तक भाई प्लीज, अभी मलिक जाबिर बोलेंगे, बोलिए मलिक नाम भी आपने बोलिए। भाई आपने बोला था, मुझसे सवाल किया था कि आप इंडिया का नाम क्यों नहीं ले रहे, जैसे इंडिया का नाम लिया देखिए भाजपा के लोग कैसे बौखलाते। जैसे नाम नहीं ले रहे थे आप लोग, तभी आपने कहा कांग्रेस विकल्प है, इंडिया नाम से पता नहीं क्या। तो गठबंधन का नाम कांग्रेस रख दीजिए, खत्म करिए,
चढ़ेंगे भी नहीं। अरे वो बात की बात है, लेकिन इंडिया से इतनी क्यों चिड़े? कांग्रेस से नफरत कीजिए, इंडिया में जितने भी गठबंधन दल है उनसे नफरत कीजिए, लेकिन इंडिया से क्यों नफरत कर रहे हो भाई? चले ठीक है, चले ठीक है, चले ठीक है। अंकुर भाई को लेता हूँ, अंकुर सक्सेना पर वक्त रालोड। अंकुर भाई सब सुन लिया आपने, पर आलोट की अपनी एक अलग नीति है। आप लोग सपा के साथ भी है और कांग्रेस के साथ में भी है, पर निश्चित रूप से आपके साथ भी रहेंगे। लीजिए लीजिए दिवाकर सिंह, अच्छा लीजिए बोल रहे हैं कि सरकार में रहे हैं। अच्छा आपके साथ भी रहे, हमारे साथ सरकार में आएंगे। अच्छा मंत्री अजीत सिंह रहे, कब 24 में आ रहे हैं क्या आपके साथ? फिर सरकार कब? कौन उड्डयन मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, किसके साथ आ रहे? नोटा मिल गया अंकुर भाई, नोटा मिल गया आपको? किसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, कौन किसके साथ आ जाएगा? और भाजपा में सबका सुविचार पूछ पूछ लेता पूछ लेता अरे पूछ लेता हूं आपके साथ ही आ रहे हैं अंकुर भाई, नोटा मिल गया आपको डिबेट में? निमंत्रण नहीं है, आपकी आपकी पहचान है, है तो बैग मत होइए भैया। नहीं आपकी पहचान है, आप किसी के साथ रह सकते हैं, ये आपकी पहचान है, हमारे साथ भी रह सकते हैं, किसी के साथ भी। अंकुर भाई बोलिए। गौरव विचार लगे जी, भाजपा के प्रतिनिधि महोदय ने बोल लिया है तो जब मैं बोलूं तो कृपया वो सुने। हाँ सुनेंगे सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। ठीक है, ऐसा है कि अगर एक परिवार में दो लोग हैं, दो बेटे हैं, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई, क्या बात? और बड़े भाई को ज्यादा राइट मिल गए हैं या वो पैसे में ज्यादा सक्षम हो गया या ज्यादा सुविधा संपन्न है, तो वो जो कुछ भी करेगा वो गलत नहीं माना जाएगा। अच्छा। तो वो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा मुफ्ती से हाथ मिलाया वो गलत नहीं है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रहा उसको मुख्यमंत्री बना दिया, उत्तराखंड में एक हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया, वो गलत नहीं है। जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी में ओम प्रकाश राजभर सम्मिलित हो गए वो गलत नहीं है, और परिवारवाद का हवाला देने वाले निषाद के आगे 3-3 लोग इनके परिवार में सम्मिलित है वो गलत नहीं है। क्या बात? अपना दल इनके हस्बैंड वाइफ दोनों लोग इनके सम्मिलित है वो परिवारवाद नहीं है और वो गलत नहीं है। कल्याण सिंह की पूरी फैमिली इनके मंत्रिमंडल में है वो गलत नहीं है। सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी के साथ में सुनिए, आप रहिए ना, हमारे आप लोग तो संगठित हैं, सुन लीजिए भाई। हाँ बोलिए बोले अंकुर भाई बोलिए। नहीं प्रवक्ता भाजपा बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, दूसरे का समय लेके आ रहे हैं इनको, अभी न्योता दे रहे थे लोबा उल्टा बोल रहे हैं, नाराज हो गए आपसे भाई? हम नाराज नहीं, हम तो इनको पूरी पूरी बात बता रहे हैं। अभी न्योता के पास चल लीजिए, नाराज तो हो जाएंगे। जब राष्ट्रीय लोकदल पे आप बोलोगे तो भारतीय जनता पार्टी को आईना देखना चाहिए ना। अच्छा, कि भाजपा भी तो क्या कर रही है, हर जगह तो वो पार्टियों को तोड़ रही है, महाराष्ट्र में पार्टी तोड़कर अपनी सरकार बना रही है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस तोड़कर अपनी सरकार बना रही है, इसलिए आप लोगों में छटपटाहट है। जनता तो विधानसभा चुनाव में अमित शाह लगातार हमको ऑफर दे रहे थे, चौधरी जयंत सिंह जी ने हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने लगातार उनको मना कर दिया, आप तो हमारे दर पे खड़े हो आ जाए समर्थन में तो पश्चिम में। अरे अच्छा, आप तो पूरा भारत में एंट्री नहीं कर पा रहे हो, पूरा भारत अरे आप उत्तर प्रदेश में एंट्री नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, श्रीमान जी उत्तर प्रदेश में आपका सूखड़ा पश्चिम से ही साफ होना चालू होगा। अच्छा अच्छा ठीक है सर, मैं बता की बोलिए। देखिए मैं कहता हूँ, जैसे बिल्ली को ख्वाब में शीशे नजर आते हैं वैसे बीजेपी के लोग सोते हैं, हाँ। ख्वाब आता है कि इंडिया गठबंधन टूट गया है। अच्छा। अलग अलग हो गए सब लोग। अच्छा। और ये खुश होकर उड़ जाते हैं, लेकिन फिर देखते सब एक साथ और मजबूत हो गए। यही केरल में जीतेंगे, यही तमिलनाडु में जीतेंगे, यही उड़ीसा में जीतेंगे, आप नहीं जीत पाएंगे। आप भी सौ से ज्यादा सौ से ज्यादा बीजेपी की सरकार जा रही है, 2024 में बीजेपी का दिया होने वाला है। हो गया हो गया हो गया हो गया हैट्रिक
गौरव जी देखिए बात ये है, हमने पहले भी कहा था फिर कह रहा हूँ, राजनीति में कोई परमानेंट किसी का दोस्त नहीं होता, दुश्मन नहीं होता है। दिवाकर जी ने जो बात कही है, देखिए अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पैदाइश बसपा से है, लेकिन जब भाजपा के साथ थे बहुत अच्छे थे, आज सपा के साथ गए तो खराब हो गए। इसी तरह ओम प्रकाश राजभर जब सपा में चले गए थे बहुत खराब हो गए, भाजपा में आ गए तो फिर बहुत अच्छे हो गए। अभी इन्होंने एक चलते चलते एक बात कही गौरव जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि इंडिया उपनाम है, भारत भी उपनाम है, इसका सही नाम आर्यव्रत है, अगर आप रख सकते हो तो रख लीजिए। क्या बात, आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी, चर्चा हालांकि कई बार डाइवर्ट करने का प्रयास किया गया, पर चूंकि प्राइम डिबेट जब भी होती है डाइवर्ट करने का मौका नहीं देते हैं, मुद्दे पर बने रहते हैं, मुद्दे को पूरे डट कर रखते हैं। आने वाले समय में 24वें चुनाव में क्या होगा वो वक्त बताएगा, पर वक्त फिलहाल 3 दिसंबर को बहुत कुछ बताने वाला है कि यहाँ पर किसके साथ कौन जाने वाला है। रार बढ़ेगी यह रार खत्म होगी, ये भविष्य गर्भ में निहित है, पर एक बात स्पष्ट है 24 चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में तमाम पार्टियों की पोल भी खुलने वाली है, कौन पार्टी यहाँ पर आगे बढ़ने वाली है और किसका यहाँ पर सुपड़ा साफ होने वाला है। परिवर्तन और परंपरा दोनों भारतीय राजनीति चलते रहते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है जनता जनार्दन। जनता जनार्दन बताएगी कि हम किसके साथ हैं, और यहाँ पर दल बताएंगे कि हम साथ साथ हैं या हम आपके है कौन, क्योंकि यहां पर चर्चाएं बहुत होती हैं, पर रार के लिए बीच में सत्ता सबको चाहिए, मंसूबे सबके स्पष्ट हैं और सत्ता सबके लिए जरूरी है, पर सत्ता से पहले आपसी मतभेद बनाने जरूरी है। अगर आपसी मतभेद आपके नहीं हटेंगे तो सत्ता भी दूर है, व्यवस्था भी दूर है और जनता भी दूर है। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।